आगरा थाना क्षेत्र सिकंदरा में दो पालतू कुत्तों की लड़ाई मालिक तक पहुंच गई। एक पक्ष ने अपने घायल कुत्ते का बदला लेने के लिए दूसरे पर अवैध असलाह से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक थाना सिकंदरा के आवास विकास सेक्टर कॉलोनी 10 में रहने वाले सुनील के घर में दो पालतू कुत्ते हैं। 3 महीने पहले वहां रहने आए नीतीश शर्मा के पास एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता है। बीती रात सुनील की नाबालिग बेटी अपने पालतू देसी कुत्ते को बाहर घुमाने ले गई थी। इसी दौरान नीतीश भी अपने जर्मन शेफर्ड को बाहर घुमाने ले गया था। देसी कुत्ते ने जर्मन शेफर्ड पर भौंकना शुरू कर दिया। इसी बीच पट्टा खुल गया और देसी कुत्ते ने जर्मन शेफर्ड पर हमला कर दिया। हमले में जर्मन शेफर्ड के मुंह पर चोट लग गई। इसके बाद दोनों पक्ष में कहासुनी हो गई। सुनील का आरोप है कि रात में नीतीश शराब के नशे में उनके घर के बाहर गाली गलौज करता है। विरोध करने पर उसने कमरे से तमंचा निकाला और सेंट्रल फायर कर दिया। हम लोगों ने झुककर जान बचाई। आरोपी की गुंडई का CCTV फुटेज भी सामने आया है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।